हरियाणा आपको बताएंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जिले सदारत आला सतह इजलास इस्लामाबाद में जारी है। जहांगीर तरीन, नईमुल हक, शीरी मजारी, सैफुल्ला नियाजी, असद कैसर, चौधरी सरवर समेत दीगर शरीक हैं। 7 अगस्त से शुरू होने वाले मुलगीर एहतजाज तहरीक के हवाले से अहम पहलुओं पर गौर किया गया। पाकिस्तान तारीख के अहम तरीन दौराहे पर है, ये कह रहा है इमरान खान का। जानते हैं इस हवाले से बिलाल आफरीदी से। बिलाल आफरीदी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जर सदारत बनिगाला में इंतहाई अहम इजलास जो है वो आज जारी है, जिसमें 7 अगस्त से शुरू होने वाली मुल्की एहतजाजी तहरीक पर जो है वो तमाम पहलुओं से गौर किया जाए। मौके पर इमरान खान का यह है कि करप्ट अशराफिया या मुश्तरक जमहूरियत में से किसी एक का इंतखाब करना होगा और तुर्की में सियासतदान से बढ़कर आवाम ने जो है जमहूरियत की हिफाजत की है। पाकिस्तान में करप्ट और बदनवान सियासी टोला जो है वो जमहूरियत के लिए बड़ा खतरा है। इमरान खान का कहना था कि कौम की उम्मीदें जो है उसका वाहिद मरकज जो है वो तहरीक इंसाफ ही है और 7 अगस्त से पाकिस्तान में एक नई तारीख का जो है नुक्ता आगाज होगा और खैबर से कराची तक आवाम को मुतहर करेंगे और वजीर आजम को कानून के तबदारी पर मजबूर भी करेंगे। इस वक्त बनिगाला के जारी इजलास में जो है पीटीआई आम जो क्यादत है वो इस वक्त मौजूद है और 7 अगस्त में शुरू होने वाली तहरीक एहतजाज का जो है हर पहलू से जायजा लिया जा रहा है और ये भी शुक्रिया बिलाल आफरीदी।